प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो इधर आप सज्ञे में। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। या दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। इस पिक्चर का नाम है कमांडो 3। ऑलरेडी इस पिक्चर के दो पार्ट रिलीज हो चुके, कमांडो 1, कमांडो 2, और इस बार रिलीज हुई कमांडो 3। दरअसल तीनों में एक ही पिक्चर है, हमारे विद्युत जमाल जो काफी अच्छे एक स्टंट है और काफी अच्छे एक स्टंट मास्टर की तरह है, जो काफी हीरो को इन्होंने ट्रेन किया है पिक्चर में एक स्टंट मास्टर की तरह, और आखिरी में इन्होंने खुद एक हीरो के रोल किया है और इन्होंने काफी अच्छा एक्टिंग की है। और पार्ट 1 में काफी अच्छा एकदम दमदार एक्टिंग है और काफी जोश के साथ, और पार्ट 2 भी किसी से कम नहीं है। इस बार पार्ट 3 भी वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि विद्युत जमाल जी अपनी एक स्टंट के लिए अलग से जाने जाते हैं, और इस पिक्चर में सिर्फ स्टंट ही नहीं बल्कि बहुत कुछ उससे कदम आगे भी इन्होंने ट्राई किए, जो है एक देशभक्त की तरह, एक रॉ जेन की तरह। शुरुआत में पिक्चर में इनकी एंट्री होती है एक अखाड़े में, जिसमें अखाड़े के जो लोग होते हैं, जो बंदे होते हैं, जो बाजू में एक गर्ल्स स्कूल विद्यालय से एक गर्ल्स स्कूल की से निकलने वाली बच्चों को छेड़खान करते हैं, और एक उसके हमारे हीरो जो है इन लोग को मार पटकते हैं, और उसी वक्त वो कहते हैं कि हम अखाड़ा की खड़े की हम सम्मान करते हैं। बस इस तरह नहीं करके एक छोटी सी एंट्री होती है और इस तरह एक शुरुआत होता है, बाकी तो ठीक है। और इसके बाद ये जाते हैं जो इनके सीनियर जो होते हैं, हमारे मार्क बेनिंगटन जो इनके सीनियर जो होते हैं, एक मिशन में भेजते हैं, जो इनके साथ जाती है जो है एक फर्स्ट रेंज जो है राधा शर्मा, फिर उनके साथ वो भी जाती है इंग्लैंड में, इंग्लैंड देश में जाके विलन को ढूंढने निकलते हैं, जो हमारे विलन के रोल कर रहे हैं गुलशन देवैया। बाकी इस पिक्चर में इन्होंने गुलशन देवैया एक विलन है, तो विलन की तरह एक सॉफ्ट विलन की तरह काफी अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया गया है। आगे फिर प्रेजेंट किया, डायरेक्टर ने पूरी अच्छी प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की और काफी अच्छा प्रेजेंट किया गया है। और जैसे इंग्लैंड जाते हैं हमारे हीरो और फर्स्ट हीरोइन, और जाके वहां पर दूसरे हीरोइन से मिलते हैं जो है अंगीरा धार, दरअसल वो सेकेंड हीरोइन है। और डायरेक्टर ने सिर्फ हीरो को ही नहीं बल्कि हीरोइन को भी एक चांस दिया है दोनों हीरोइन को काफी अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, कि खुद एक एक्शन क्वीन की तरह, ताकि वो अपने को कुछ अलग से प्रेजेंट कर सके और डायरेक्टर को भी कुछ अलग सा दिखा सके। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, वहां ज्यादातर पिक्चर में थोड़ा थोड़ा ग्राफिक्स है, थोड़ा वीएफएक्स पता चल जाता है, पर डायरेक्टर ने पूरा इस्तेमाल किया है हीरो हीरोइन को और यहाँ तक कि विलन को भी काफी अच्छा इस्तेमाल किया है और काफी अच्छा प्रेजेंट किया है। और इन लोगों ने भी जो सपोर्टिंग एक्टर से लेकर जो हीरो हीरोइन उन्होंने पूरी कोशिश की है बाकी पिक्चर में पूरी एक्टिंग करने की, और जैसा चाहते थे डायरेक्टर वैसे उन्होंने प्रेजेंट किए वाकई। और हीरोइन तो जरा हटके इस पिक्चर में एक एक्शन क्वीन की तरह इन लोगों को प्रेजेंट किया गया, और दोनों ने काफी अच्छा एक एक्शन क्वीन की तरह खुद को प्रेजेंट किया है। वाकई पिक्चर काफी अच्छा है और थोड़ा ट्विस्ट है पिक्चर में, काफी अच्छा रोल है विलन का। और जैसे और सपोर्टिंग एक्टर्स है जो है अभिलाष चौधरी, जो उन्होंने भी काफी अच्छा उन्होंने भी एक्टिंग की है, और राजेश तैलांग जो एक और भी काफी अच्छे फेमस एक्टर है, एक एनआरए एक्टर कह सकते हैं, और काफी अच्छे उन्होंने भी एक्टिंग की है। और मार्क मैनिंगटन और जो एक उनके सीनियर होते हैं, और उन्होंने भी काफी अच्छा एक्टिंग की है और काफी अच्छा प्रेजेंट किया है। और इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड देश में जाके विलन को पकड़ने निकलते हैं, और काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी टेस्ट होता है, और आखिरकार जीत अपने हीरो की होती है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, गाने भी काफी अच्छे हैं, और एक एक्टिंग के तौर पे, एक एक्शन के तौर पे काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है। अगर आप एक्शन पिक्चर देखना पसंद करते हैं तो वाकई आपके पिक्चर को बहुत अच्छा लगेगा, और जरूर जाके देखिएगा थिएटर में परिवार के साथ। और बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने तो पिक्चर आखिरी तक देखा और मुझे वाकई मेरा दिल खुश हो गया कि बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, और जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ये पिक्चर जरूर अच्छा लगेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये पिक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और मेरा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल सत्या भैरवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत इत्तला हो जाएगा। टिल देन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।